हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं डीएसएल में। जो आज हम स्पेशल पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं वो ये कि हमने जो टारगेट सेट किया है या आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो अचीव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम पता करने जा रहे हैं कि वो आपको एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके साथ। तो ध्यान से समझिए कि कोई भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए चार फेजेस के अंदर काम करना होता है। पहले फेज की हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं सीधे कि फर्स्ट फेज के अंदर आपको देखना होता है कि आपने अचीव करना क्या है। ऐसा नहीं है कि अनगाइडेड राहगीर की तरह हम रास्ते में चलते रहे कि हमें जाना कहाँ है, मंजिल ही पता नहीं हो कि जिसको अचीव करना है वो किस तरफ है। तो हो सकता है कि आपको कभी भी वो चीज अचीव नहीं हो। तो पहली चीज होना चाहिए कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इस टारगेट को हमको अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए जो आपको करना है वो सेकंड स्टेप के अंदर दिखाया गया, आपको बोर्ड लाइन पे दिख भी रहा होगा कि एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए उसके लिए। अब हो सकता है ये टारगेट आपके अकेले का हो या फिर आपको कंप्लीट टीम इसके लिए डेवलप करनी पड़े, तो जैसा भी है आपका टारगेट पे डिपेंड करेगा, बट आपको कंप्लीट एक्शन प्लान इस पे डिसाइड करना होगा। अब ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। नर्सिंग के अंदर एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का, नॉर्सेट, जो 22 में होने वाला है सितंबर में। अभी उसके 6 महीने बच रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने ये टारगेट डिसाइड किया है कि उसे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जो 6 महीने बाद में एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक करना है। अब उसको एक्शन प्लान इस पे डिसाइड करना है, तो एक्शन प्लान वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे करना क्या होगा इसके लिए। जैसे कुछ चीजें मैं बता सकता हूं कि आपको एक अच्छे मेंटर के पास जाना होगा, एक अच्छे मेंटर के शरण में जाना होगा, जिससे वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि इसमें क्या चीज पूछी जानी है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रहेंगे, कौन सा इसके अंदर मेन फोकस आपको करना है, टेस्ट सीरीज पे कैसे काम करना है, प्रीवियस पेपर्स पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें आपका मेंटर देखेगा। तो एक्शन प्लान होना जरूरी है कि कैसे आपको ये चीज करनी है। दूसरी बात, पहला हो गया कि टारगेट फिक्स होना चाहिए, दूसरा एक्शन प्लान। अब तीसरी बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से इसकी तरफ जाना चाहे, कुछ कोचिंग की हेल्प से इसकी तरफ जाना चाहे, दोनों में टारगेट की तरफ जाया जा सकता है। कोचिंग्स इसमें कहीं कहीं आपके हेल्प ही करेंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करने में, रिसर्च्ड मटेरियल प्रोवाइड करने में, और फिर भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी। अब आज आप क्या करेंगे उस पर डिसाइड होगा कि आपको गोल अचीव होगा या नहीं होगा। तो कैसे पता करें कि आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा, इसके लिए स्टेप आती है फॉर डेली असेसमेंट। आज से ही पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन कीजिए कि आज मुझे ये चीज करनी थी। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या चीज करनी थी, जैसे ही आप सो रहे हैं उस टाइम पे आपको पूरी लिस्ट बना लेनी है, टू डू लिस्ट आपको बना लेनी है कि कल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है, कल का मतलब जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए मुझे कल के दिन में ये चीज करनी थी, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने गाइड में से क्वेश्चन करने हैं, या फिर मुझे इसके लिए इतने क्लासेस कोचिंग से करनी है या ऑनलाइन वीडियो से करनी है, जो भी आपका है। ध्यान रहे कि गोल हमेशा जो भी आप बना रहे हो टू डू लिस्ट में वो ऐसे होने चाहिए, टाइम बाउंडेड होने चाहिए और रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि मैं 4000 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लूंगा और फिर वो गोल आपको अचीव भी ना हो, ऐसा नहीं होना। रियलिस्टिक गोल इस पे होने चाहिए। और ध्यान से समझिए, जैसे ही ये आप लिस्ट बना के तैयार करके सो जाएंगे, दूसरे दिन ये आपको जल्दी उठने में भी हेल्प करेगा और दूसरे दिन आप इस पे पूरी तरीके से काम कीजिए, और जब रात को सो रहे हो उससे पहले पूरी ईमानदारी से खुद का इवेल्युएशन कीजिए, पूरी ईमानदारी से खुद का इवेल्युएशन कीजिए कि जो मैंने काम डिसाइड किया था उसका कितना परसेंट वर्क मैंने कर दिया है, और जितने भी दिन आपने ये चीज किया है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम नॉर्सेट का, कि 6 महीने बच रहे, 180 दिन स्टूडेंट के इसमें बच रहे, और 180 दिन में आपने मान लो किसी दिन ओनली 10% ही काम किया और किसी दिन 90% काम किया, जो भी आपका एवरेज बनता जा रहा है, जितने भी दिन अब तक आपने काम किया उसमें जो भी एवरेज बनता जा रहा है, वो एवरेज यदि 70% से ऊपर नहीं आता है
तो आप भूल जाइए, आपको वो गोल उस टाइम पे तो अचीव नहीं होगा जब होना चाहिए। ईमानदारी बरते अपने साथ और जो आपने डिसाइड किया है उस पे काम पे लग जाइए। फालतू के बहाने, दो कोड़ी के बहाने बनाने से आप फेल ही हो सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद।